राजस्थान के नहीं, अभी तो हिंदुस्तान के नेता पायलट साहब, किसानों के नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सम्मानी नारायण सिंह जी, सम्मानी हेमा राम जी, दीपेंद्र सिंह जी, मंच में विराजमान तमाम नेतागण, उपस्थित नौजवान साथियों, सारी बातें तो हो गई, मैं तो सिर्फ पायलट साहब से एक बात पूछने आया हूं कि आप इन कार्यकर्ताओं की परीक्षा कितनी देर कब तक लोगे और क्या लेना चाहते हो और कब तक लेना चाहते हो ये बता दो। बार बार हम कह चुके, अभी मीडिया के सामने सम्मानी नारायण सिंह जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में फोन लगाया और पूछा भाई कि पैसे का हिसाब तो हम दे रहे हैं, मैं आ जाऊं क्या? तो आज तक तो बुलाया नहीं, ये मीडिया वाले साथी सुन रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी बुलाएं तो मुझे बुला लेना, पूरा हिसाब देंगे। अरे आप 10-10, 15-15 करोड़ की बात कर रहे हो, आप बता दो कि पायलट साहब को मुख्यमंत्री कब बनाओगे? हम दे देंगे, ये जनता सब कुछ देना चाहती है आपके लिए, तन मन और धन देना चाहती है। इनकी परीक्षा ज्यादा मत लो पायलट साहब, समय मजबूत होता है और ये चेहरे की चमक भी समय के अनुसार होती है। जिस चेहरे की चमक से हम जीत के आए उसको फीका नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं अगर आपका चेहरा नहीं होता तो मैं विधायक नहीं होता। तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। आप सिर्फ यह बता दो, लोग हजारों हजारों किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से आपके साथ पैदल चलने आ रहे हैं, मेरे जैसा साथी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, आप 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये नौजवान साथी अपने पांव के छाले भूल गए, ये सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। और इनमें एक ही ललक है जो ये धूप में खड़े हुए साथी हैं, ये चाहते हैं पायलट साहब आज कुछ काम करें, इनका दिल ठंडा हो इस गर्मी के अंदर, नहीं ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है ये पार्टी को खत्म कर देगी, इनके दिल को ठंडे करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा था रंधावा जी के सामने, रंधावा जी जब बैठे हुए थे हमने उनको बताया कि ये समस्याएं हमारी हैं। परिवारी जी ने पूरी समस्याएं हमारे सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी पायलट साहब एक भी काम नहीं किया, बैठने के बाद किसी विधायक से काम नहीं किया। और हमने कहा कि साहब बिना पायलट साहब के सरकार नहीं आएगी। उन्होंने मुझे कहा कि चाकसू में बीजेपी बोल रही है, मैंने कहा मेरे यहां तो बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस कहां से की बोल रही है, आप वो बता दो, वो सीट बताओ जहां से कांग्रेस बोल रही है। तो ऐसे चेहरे को कुर्बानी नहीं देने देंगे, किसी भी कीमत पे कुर्बानी आपकी नहीं देने देंगे। आप सिर्फ यह बता दो, लोग हजारों हजारों किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर से आपके साथ पैदल चलने आ रहे हैं, मेरे जैसा साथी 1 किलोमीटर नहीं चल सकता, आप 150 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। ये नौजवान साथी अपने पांव के छाले भूल गए, ये सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये सिर्फ आपका मार्गदर्शन लेने आए हैं। और इनमें एक ही ललक है जो ये धूप में खड़े हुए साथी हैं, ये चाहते हैं पायलट साहब आज कुछ काम करें, इनका दिल ठंडा हो इस गर्मी के अंदर, नहीं ये गर्मी जो इनके अंदर पड़ी हुई है ये पार्टी को खत्म कर देगी। इनके दिल को ठंडे करने की बहुत जरूरत है। हमने कहा था रंधावा जी के सामने, रंधावा जी जब बैठे हुए थे हमने उनको बताया कि ये समस्याएं हमारी हैं,
परिवारी जी ने पूरी समस्याएं हमारी सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी पायलट साहब एक भी काम नहीं किया, बैठने के बाद किसी विधायक से काम नहीं किया। और हमने के सरकार नहीं आएगी, उन्होंने मुझे कहा कि चाकसू में बीजेपी बोल रही है। मैंने कहा मेरे यहां तो बीजेपी बोल रही है, कांग्रेस कहां से की बोल रही है आप वो बता दो, वो सीट बताओ जहां से कांग्रेस बोल रही है। ये कांग्रेस एक ही जगह से बोलेगी जहां पायलट किसी व्यक्ति को